कोडरमा के झुमरी तलैया में जिले का एकमात्र वृद्धा आश्रम बनकर तैयार हो गया है, जिसकी जल्द ही विधिवत शुरुआत कर दी जाएगी। समाज और परिवार से ठुकराए लोगों को अब कोडरमा में भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे लोगों के लिए जिले का एकमात्र और पहला वृद्धा आश्रम झुमरी तलैया में बनकर तैयार हो गया है। आपको बता दें कि खाली पड़े स्कूल भवन को वृद्धा आश्रम के लिए अधिग्रहित किया गया है और यहाँ इको फ्रेंडली कमरों के साथ वृद्ध जनों को दिए जाने वाले आवश्यक सुविधाएं बहाल कर दी गई है। सब नहीं होने की वजह से हमारा सदर अस्पताल में कई बेड फालतू में एंगेज रहता है। रेलवे स्टेशन में कई बुजुर्ग को आप देखेंगे, ऐसे ही हम लोग कोई जगह पर उनको नहीं रख पाते थे, तो ये बहुत ही अच्छी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं और आने वाले सप्ताह में ही हम लोग इसका जो है उद्घाटन करेंगे। वहाँ जो सुविधाएं हम लोगों ने देने की प्रयास किया है वो एक उसका नाम हम लोगों ने दूसरा बचपन रखा है। ये छोटे बच्चे को जितनी सुविधाएं बचपन में माँ बाप उपलब्ध कराते हैं, एक बेटा होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते मैं यही कहूँगा कि हम लोग अपने माता पिता को ऐसे समाज में जिनको रहने की जगह ठीक से नहीं दे पा रहे हम लोग, उनको एक दूसरा बचपन की जगह देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें लाइब्रेरी, कैरम, चेस और पढ़ने की सभी धार्मिक किताबें, थोड़ा अखंड कीर्तन करने के संबंधी जो इंस्ट्रूमेंट्स होता है, तबला, झिझनकी, ये सब। वृद्धा आश्रम में महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। वृद्धा आश्रम में डाइनिंग हॉल और किचन तैयार हो गया है और दीवारों पर सोहराय पेंटिंग कर यहाँ रहने वाले वृद्ध जनों की जिंदगी को खुशनुमा वातावरण देने का प्रयास किया गया है। खान पान से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं भी वृद्धा आश्रम में मौजूद रहेंगी। इसके अलावा वृद्ध जनों के मनोरंजन के लिए किताबें और टीवी भी लगाए जाएंगे। जो कि वैसे भी जो वृद्ध हैं, जो समाज से प्रताड़ित हैं या गांव से प्रताड़ित हैं या परिवार से टुकराए हुए हैं, वैसे लोगों का तमाम सुविधा हमारे यहाँ वृद्धा आश्रम में मौजूद रहेगा। शिक्षण से संबंधित, हेल्थ स्वास्थ्य से संबंधित और उसका मूलभूत सुविधा और खाने पीने का यहाँ पर बजट तो कम है, लेकिन फिर भी दूसरे स्रोत से उपलब्ध करा के उनको एक साधारण से भोजन, दाल भात सब्जी, ये उपलब्ध हो जाएगा। बीच बीच में अगर कोई डोनर मिल जाएंगे तो उसका चिकन, मुर्गा, मछली जो भी अगर होगा, कहीं भटकने की भटकने का आवश्यकता नहीं, मतलब उसके लिए व्यवस्था हम लोग पर किए हैं और जिला प्रशासन इसके लिए एकदम तत्पर है। मनोरंजन के लिए क्या व्यवस्था? मनोरंजन के लिए किताब है, लूडो रहेगा, टीवी है, टीवी दो दो गो रहेगा। अभी जो मनोरंजन का सुविधा है ये आएगा, अखबार भी आएगा, लूडो आएगा और खेल उल का सामान, ढोलक, तबला वगैरह भी सब ले लेंगे। जैसा उसको डिमांड होगा कि हम बाबू झाल लेता चार ठो ले लेंगे, ढोलक ले दीजिए, ले लेंगे लूडो ले दीजिए, कैरम बोर्ड ले दीजिए, वो सब करके धीरे धीरे सब स्टाइलिश, मतलब मनोरंजन का भी सब। मेरा इस वृद्धा आश्रम में रहने वाले वृद्धजनों के लिए एक काउंसलर भी नियुक्त की गई है, जो अलग अलग परिवार और समाज से ठुकराए जाने के बाद इस वृद्धा आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों में आपसी सामंजस्य बनाने का कार्य करेंगी, ताकि एक साथ रहते रहते वृद्धजनों को पारिवारिक अनुभूति प्राप्त हो और वृद्धा आश्रम में खुशनुमा माहौल बना रहे। क्या प्राप्त करेंगे? हम यहाँ के काउंसलर हैं और यहाँ पे अलग अलग समुदाय के लोग आएंगे, तो सबका व्यवहार भी अलग होगा, तो उन लोग को आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो, उसको अगर होगा भी तो हम उसको अच्छे से समझा के उन लोग का मेल मिलाव बढ़ाएंगे और उन लोग को कोई भी तरह का तकलीफ नहीं हो और घर का उन लोग को महसूस नहीं हो कि हम घर से बाहर हैं। जितना भी होगा मेरे से उतना अच्छे से अच्छे तरीके से उन लोग को रखेंगे, देखभाल करेंगे और समय से दवा, समय से खाना, समय से चाय, समय से उठना है, समय से गेम खेलना है, जितना भी मनोरंजन का जो भी मेरे से उपलब्ध हो पाएगा हम उन लोगों को बहुत खुश रखेंगे। फिलहाल इस वृद्धा आश्रम में निवास करने के लिए कोडरमा स्टेशन पर भटक रहे 10 लोगों व सदर अस्पताल में बिना पारिवारिक देखभाल के महीनों से पड़े 9 वृद्धजनों को चिन्हित किया गया है। यह वृद्धा आश्रम समाज कल्याण विभाग के मापदंडों के अनुसार तैयार किया गया है और फिलहाल इसके संचालन का जिम्मा एक संस्था को दिया गया है। ईटीवी भारत के लिए कोडरमा से भोला शंकर सिंह।